क्या कह रहे थे तुम? एक सर टाइम पे पंचुअल नहीं है हमारे। तो आपकी अदालत में एक सर पे पहला आरोप है कि वो आप भी खुद टाइम के तो पंचुअल नहीं हो, है। तेरे खन के उठे हुए हैं, नींद आ रही है। सर क्यों करते हो आप ऐसा हमारे देखिए, अगर मैं टाइम की कदर करूंगा तो टाइम बुरा मान जाएगा। साथ? मनदीप पूरी कहानी बताओ, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था या क्या क्या होता है। मैं तो भूल ही जाता हूँ, सीधी सी बात है यार, टाइम पे 6 बजे बुलाती हूँ, जब भी मैं आता हूँ मिलते ही नहीं फिर। 7 बजे निकलते हैं, क्लास पे कहते हैं 2:30 बजे आ जाओ, क्लास हाँ बंद क्लास में हो कहते हैं हाँ। गई, क्लास पड़ी होती है बंद, इधर 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 इधर। मैं बाहर आके बैठता हूँ। अच्छा तो मेरी क्या गलती, ये लोग तो रेडी होके आते हैं, जाते सब लोग मेरे घर से, मतलब सब लोग मेरे घर इकट्ठे होते हैं, तो मेरी गलती है सब लेट होते हैं, तो अब तक ना रोहित रेडी है ना सुमिता है, तो मेरी कुछ गलती है जो बताओ। मैंने 2:30 बजे दिया है टाइम क्लास पे, तो क्लास पे आ जाओ, अच्छी बात है। तुम टाइम पे पहुंचे हो, मैं टाइम पे पहुंचे हो, तुम टाइम पे रहे आओ, हो, देख लो देखा ना। देखा भाई, जाती हो रही है हमारे साथ यार। मंदीप यहाँ साफ साफ बोल दी, अरे करस देख सर, टाइम के पंचुअल नहीं हो ना आप। गाइस आहा, कितना बढ़िया लग रहा है इसे गली में चल के और ऐसे बैग टांग के। आहा गाइस, मेरे बालों को मत देखना गाइस, मेरे एक सौ कैसे पंद्रह कर रुपये रहे कट हैं, गए कैसे कर रहे हैं? 115 रुपये, हैं बहुत सस्ता कर रहे हैं, बहुत सस्ता सस्ता कट रहा है मेरा। और 115 रुपये तो बहुत कम हो गए। अच्छा तो हमने तो एक गाइस, हजार आज पंद्रह फाइनली वो से दिन आ गया है जिस दिन हम जा रहे हैं शूट करने, एनकाउंटर करने। यस, हम शूट करने जा रहे हैं भाई। अरे भाई साहब, कितना स्मार्ट लग रहा हूँ मैं यार। गाइस सुन लो यार, मुझे देखा करो यार, एक सर के वेबसम ब्लॉग्स के हर वीडियो के नीचे कमेंट करा करो, हमें आशुतोष तो उसको देखना है यार। गाइस ये बोला करो, मैं और कितना स्मार्ट लग ये रहा हूँ स्मार्ट देखो। बंदा कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, मतलब तुम लोग इसको भूल बैठे अच्छा हो। मैं सेकंड और स्मार्ट, अच्छा देख रहे भाई साहब, अच्छा हमेशा सही जवाब देता तो है। सुमित सर कहाँ है फिर, तो मैं कहाँ जाऊँगा? आप आपसे तो पहले नहीं ही कह आप दिया तो ब्लॉग उसने कर ही दे रहे हो ना, ना, आपसे तो पहले ही कह दिया आप टांग के पंचल नहीं हो। आप जाओ भाड़ में, अगर तुम साथ हो तेरी नजर। क्या हो गया, आगे बैठने की फिर इससे बच जाऊं घास फूस से, गेट लग गया है, रोड पे जा सकता हूँ क्या? क्योंकि यार मेरे को कार की मैक से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मैं ऐसे बैठ के जा सकता हूँ क्या? क्या यार, मंदीप आर यू ओके, चलें। मैं भी ड्राइवर है, मुझे ये बता ये ऐसे क्यों शीशा क्यों कर देते हो भाई, इसमें ऑप्शन होता है नीचे रख के ब्लैक करने का और ये ओरिजिनल। एक सर मुझे भी बहुत अच्छे से बताया आपने, मुझे ही बताया था कि आपकी कार के कुछ फंक्शन तो ऐसे थे जो आपको काफी टाइम बाद पता चले थे कि अच्छा इसमें ये भी होता है। तो भैया ये तो मेरे को ही पता है कि हाँ ये रखा है और यहाँ से ब्लैक शेड में आ जाता है जिससे कि लाइट एकदम रिफ्लेक्ट ना करे, और ये हमने थोड़ा सा शूट की लेट हो गए, फिर भी क्या वो बरकरार है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ मुझसे। अगर तुम गाइस हम निकल गए। तो गाइस हम लोग निकल दिए हैं शूट करने, आप देखो मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, बल्कि मैं कितना स्मार्ट हूँ यार, घमंड नहीं करता हूँ मैं, अच्छा देख रहे हो मतलब अभी देख लो आप। अब बोलता तो मुझसे हुई नहीं है ना, अब बोलता तो कतई ही नहीं, मैंने कभी कभी अपने मुंह से नहीं बोला कि मैं स्मार्ट हूँ, कभी नहीं। अच्छा थैंक यू सुमित सर अपनी टी शर्ट देने के लिए, इतनी अच्छी लग रही है देखो भाई साहब। और मेरा आउटफिट तो दिखा दो एक बार, मैं अपना आउटफिट गिराऊं अरे आपकी जनता मुझे देखने के लिए व्लॉग्स देखती है आपके यार, ना मैंने आप पूछ लो एक बार से। हाँ यार ये तो है, मैं तो ये बात तो कहूंगा क्योंकि बहुत लोग, अरे रोहित सर को फोन करना सुमित सर कि हम लोग निकल गए यहाँ से और हमें 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। गाइस हम लोग 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं शूट करने के लिए। 100 किलोमीटर भी नहीं होगा, नहीं कुछ बोलना होता है, अरे झूठ बोलना होता है ब्लॉग में यार, यार ब्लॉग में झूठ तुम। बोलना होता है, हाँ हम कैसे बताते 7-8 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर पचास जा रहे हैं किलोमीटर दूर गाइस। जा रहे हैं गाइस, और ऑडी से जा रहे हैं, हाँ ऑडी गलती करी दी थी सब छुपा लो क्या करते हैं, तो हम ऑडी से जा रहे हैं गाइस, आपको व्यू भी दिखा। एक सर टेंशन में
एक सर एक बहुत अच्छी लोकेशन पे लेके आए हैं कि मतलब पहले उन्होंने ऐसा बोला कि हम मैं तुम्हें एक ऐसी लोकेशन ले जा रहा हूँ जहाँ पे शूट करेंगे, मज़ा आएगा एकदम मस्त। अब एक सर खुद कंफ्यूज है कि इस जगह आके शूट कहाँ करें। मैं अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको एक बार व्यूज दिखा देता हूँ। यार सेल्फी में दिखाऊंगा आपको, पीछे दिखाऊँ, देख लो फिलहाल। कितना मनमोहक व्यू है। प्रिपेयर फॉर शूट, ऑल सेट, कंटिन्यू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस चल रही है, वार्म अप, सम पीपल डूइंग प्रैक्टिस ऑफ सॉन्ग हाय मेरा दिल। यार तुम ना अकेले अकेले खा लिए जे, क्यों जे बर्गर के लिए खा लिया तूने बर्गर? तेरा गिरा दे हमसे देख। अरे खा भी लिया महंगा बैठे बैठे इतनी देर से यहाँ पे। भाई ये हमारे कैमरामैन मुकेश के साथ, कैमरामैन क्या कर रहे हो? कॉल खोलो। और क्यों खोलेंगे भाई, कितने गोल हो गए भाई? पार्टी इस बात की किसी बात की तुमने हमें नहीं बताया। पार्टी पार्टी तरफ से उसकी पार्टी है। अच्छा यार आओ यार इधर तू कैसे गई? हाथी तुमने कहा डराया मुझे हाथी। उनने चीखा कम डरा, तुमने कहा हाथी महंगे है, कहा है हाथी फोड़ो, मुझे क्यों दिख रहा? तुमने क्या देख लिया? गाइस हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। इधर दिख रहा है ना, ये हर वीडियो में है, हर वीडियो में तीन तिरंगा दिखते हैं ना वो। देखो लौट के बंधु घर को आए, बंधु नहीं बुद्धू, बुद्धू हाँ बंधु मतलब भाई। तो हम भाई आ गए फिर से जहाँ शूट कर रहे थे हम, लगभग हमारे चार पांच टेक हो चुके हैं। नीचे से शूट करो भाई, विवेक सर कहना है कि वो तुम गड्ढे में जाओ उधर नीचे से स्टेक करो और कैमरा को नीचे शूट करो, तुम यही डांस करो ताकि विवेक सर लंबे दिखाई दे। रोड पे कर ले, यहाँ कर ले, वहाँ कर ले। अरे भाई ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं पता नहीं, टांगों से अपनी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताएंगे ये। इसको बोलते हैं बॉडी कम्युनिकेशंस, जब हम बॉडी सिंबल और सिग्नेचर इसको बताते हैं तो हम बॉडी कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, बॉडी थ्रू सिंबल और साइन देन। और ये जब्बा कुछ बोलना चाह रहा है, जब्बा दारू मांग रहा है, है लगता है जो दारू मांग रहा है, दारू है जब्बा जब्बा या है स्टिंग या दारू कहाँ रूट भी कर ले रहे हैं। भीड़ क्यों लगी है यार, सर करो ना, क्या देखना चाहेंगे आप? चलो देखते हैं कौन सी। अरे मेरे हाथ ही भागने लगे सब। गाइस मेरा सूट डन हो गया पूरा, नहीं हुआ यार अभी, बहुत रह गया है। अरे बता दो ना कोई दिक्कत नहीं, ये टेक सही है? हाँ ये सही है, एक बार और लेना है? हाँ ये वाला एक बार और लेना है। चलो एक बार सामने से ले ले रहा, सामने से ले, हां पीछे जाके सामने से दिया है वही वाला। गाइस ब्लॉग नहीं बनेगा गाइस, आओ एक बार सामने से ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा मूड था गाइस, मूड पर अभी अच्छा ही लग रहा है गाइस। हेलो गाइस आवाज हो रही है, जैसे कि भाई आप देख रहे हैं हमारे लिए कैमरा हमारा डन हो गया है। मोटर साले वो चलते भी होंगे तो नॉर्मल नहीं चलते होंगे। कैमरा डन हो गया मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा शूट डन हो गया है। अब फिलहाल प्यास वास लग रही है इन्हें बेचारों को, तो यह पानी उनी पीने जा रहे हैं। अब देखो पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे, गाड़ी देख रहे हैं आप बहुत दूर खड़ी हुई है। देखो मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, वो दिख रही है आपको गाड़ी, वो खड़ी है गाड़ी हमारी और यहाँ हम खड़े हैं। तड़प गए पानी के लिए हैं, वो क्या होती है? अच्छा हुआ रख दिया, वरना कोई ले जाता दिखता भी नहीं। टूटू भी नहीं बोलती, पानी है ही नहीं, इतना सा पानी है कतई, हल्का हल्का एक बोतल पानी कौन कौन पिएगा? अरे भाई
डॉक्टर स्टेंट जल्दी दे यार। क्यों गाइस मर्सिडीज आ रही है हमारी, ये हमें पिक करने आई है। हाँ जी, तो अभी शूट कंप्लीट हो गया है, सीधे एकदम सीधे। तो अभी शूट हो गया है और मैं, आप देख रहे हो, मैं आराम से बैठा हूँ। इसलिए बैठा हूँ क्योंकि आज तो उसको गाड़ी सिखा दी है, जस्ट अभी 2 मिनट हुए गाड़ी सिखाए हुए और गाड़ी चला रहे हैं वो। सर बहुत अच्छी गाड़ी सिखाते हैं फिलहाल, मैं ये कहना चाहूँगा। ज़्यादा इधर नहीं देखूँगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ड्राइविंग। समित सर कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? नहीं लग रहा है, नहीं नहीं लग रहा, चले बस सब ठीक है, बस चल रहे। तो शूट काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा। अरे आसान है अगर आप फोकस के साथ और आपका टीचर अच्छा है तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, ठीक है ना? तो बस सीख गए, काबू रखो। मैंने भैया को भी सिखा दी लेकिन वो कभी आते नहीं चलाने, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मौसा जी को सिखा दी, वो भी अब चला लेते हैं, बस फरारी नहीं बनाना है अभी। कोई दिक्कत नहीं, हल्के हाथ से अपनी तरफ लो और फिर घुमाओ, ठीक।